हाँ देखिए, हम लोग विविध प्रश्नावली आज पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने कहा है बताने के लिए, उसको आज हम इसमें करवा दे रहे हैं। जो लोग किए हैं वो भी देखिए थोड़ा सा, कौन से मेथड से किया जा रहा है, कौन सा मेथड ज़्यादा जो है उपयोगी रहेगा आपका। तो इसमें हम दो मेथड बताएंगे। स्पेशली डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, हाँ, पहला तरीका क्या है, सीधे हम इन चीज़ों की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दें, है ना। और कहा है कि ये चीज़ जो आएगा वो ए और बी से स्वतंत्र हो, यानी ए और बी उसमें नहीं आना चाहिए, ये कह रहा है। समझ पा रहे हैं ना। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसका अवकलन करके आपको डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो अवकलन करने के लिए एक तरीका हमने आपको और बताया था, क्या बताया था, कि जब भी आपको कोई समीकरण मिले, ये कैसा समीकरण है, कार्तीय समीकरण है, और अगर इसको हम प्राचलिक में बदल दें, कभी कभी क्या होता है प्राचलिक को कार्तीय में बदलना जटिल हो जाता है, और कभी कभी जटिल कार्तीय को प्राचलिक में बदलना जटिल होता है ना। तो जो आसान हो जिसका अवकलन करना, वो जब करते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे आपको बताया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए आर स्क्वायर मान लीजिए, इसका जो प्राचलिक समीकरण होता है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। अगर ये वृत्त दिया है, इसका प्राचलिक समीकरण ये है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ये है। क्यों? क्योंकि इसमें इसको रखने पर, एक्स वाई की वैल्यू रखने पर ये आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही अगर इसका हम प्राचलिक समीकरण बना ले जाएं, तो इसका अवकलन करना आसान है, थीटा के सापेक्ष हम कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो ये एक मेथड हम बता रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। चलिए प्रयास करते हैं। तो अगर हम एक्स माइनस ए को आर, आर की जगह पे यहाँ क्या है आपका सी, सी कॉस थीटा रख दें, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस सी कॉस थीटा आ गई, ए प्लस सी कॉस थीटा आ गई। और अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, दूसरे वाले की वैल्यू निकालते हैं, दूसरा वाला क्या है, मतलब दूसरा वाला क्या बचा आपका, ये याद आपका वाई माइनस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी साइन थीटा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बी प्लस सी साइन थीटा। अब इसमें हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले हम डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड कर लें, डी एक्स बटे क्या निकाल लें, डी थीटा। ए की वैल्यू आपकी जीरो हो गई, अवकलन कर रहे हैं इसलिए ये सी नोट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये थीटा के साथ है, और कॉस थीटा का अवकलन होता है आपका माइनस साइन थीटा। तो ये मिल गया माइनस सी साइन थीटा। किसकी वैल्यू मिली अभी आपको, ये वैल्यू मिली हमको डी एक्स बटे डी थीटा की। ऐसे अगर हम डी वाई बाई डी थीटा निकाल लें, डी वाई बाई डी थीटा, ये क्या आएगा बताइए, ये आएगा कितना बताइए, बी की वैल्यू जीरो, सी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, माइनस सी, सॉरी प्लस में, सी साइन थीटा की वैल्यू होती, अवकलन होता है कॉस थीटा। हम अवकलन कर रहे हैं, यहाँ लिख दीजिएगा एक्स थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंटिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ भी वही चीज़ आप लिख देंगे। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी थीटा, ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा। तो आपको बताया गया है डी वाई बाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना हो जब आपको, तो आप क्या करते हैं, डी डी थीटा ऑफ वाई को डिवाइड कर देंगे डी डी थीटा ऑफ एक्स से, ठीक है। तो अगर इसमें इसमें इससे हम डिवाइड करें, तो बताइए जरा क्या मिला हमको, इसको इससे डिवाइड करना है तो पहले इसको लिख लेते हैं सी कॉस थीटा अपॉन माइनस सी साइन थीटा। तो ये इससे क्या हो गया आपका कैंसिल, इसमें क्या मिल गया आपको, माइनस कॉस बटे साइन मतलब माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू मिल गई माइनस कॉट थीटा की वैल्यू मिल गई। अब आप अगर चाहें तो यहाँ पे हम किसका मान रख सकते हैं, कॉट थीटा का मान, कहाँ से निकाल के, ये समीकरण एक मान लीजिए, ये समीकरण दो मान लीजिए, समीकरण एक में दो से भाग कर दें, ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक व दो से कॉट थीटा बराबर क्या मिलेगा बता सकते हैं आप। देखो इसमें इससे जब भाग करेंगे सी सी कैंसिल हो जाएगा, कॉस बटे साइन कॉट थीटा मिल जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, तो ये मिल गया माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। समझ पा रहे हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी मिल गई।
अब अगर हमको क्या करना है अभी इसकी वैल्यू निकालनी, डी टू वाई बाई डी एस टू की वैल्यू निकालनी, इसका हम दोबारा थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी टू वाई बाई डी थीटा टू निकालेंगे, इसका अवकलन करेंगे हम डी टू एक्स बाई डी टू डी थीटा टू निकालेंगे, फिर इसमें इससे भाग दे देंगे, जो आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर दोनों वैल्यू हम यहाँ रख के देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए बेटा, दे इतना नोट कर लिए है ना, क्या क्या किया गया एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने इस समीकरण को प्राचलिक रूप में बदलना आसान समझा है ना, क्यों आसान समझा, क्योंकि अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में बनेगा तो थीटा एक पद रहेगा और एक ही बार हमको अवकलन करना पड़ेगा, नहीं तो घात का करिए फिर x माइनस ए का करिए फिर इसमें घात का करिए फिर x माइनस बी का करिए y माइनस बी का करिए उसमें dy बाई dx को पक्षांतर करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। और ये अगर इस तरह आप कर लेते हैं, एक मेथड ये भी जानते रहिए कि हम कभी कभी क्या करते हैं इसको बदल करके इस फॉर्म में ले आते हैं, समझ पा रहे हैं ना। मोर की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं, हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में बदला फिर अवकलन किया प्राचलिक रूप वाले के अनुसार, ठीक है। तो जिसको मिटाना है उसी को मिटाते हैं, यहाँ पूरा अवकलन करने पर क्या मिलेगा, तथा डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं डी टू एक्स अपॉन डी थीटा टू, ये कितना आएगा बताइए, दोबारा थीटा के सापेक्ष अवकलन माइनस सी साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा, और डी टू वाई अपॉन डी थीटा टू कितना आएगा, इसका अवकलन करेंगे माइनस सी कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा आपका बताइए, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। अब मिटा दें, इसका काम खत्म। हमको निकालना क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू कैसे मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू ये हो जाएगा आपका कितना, इसमें इससे भाग कर दिया जाए तो ये आपका आ गया माइनस सी साइन थीटा अपॉन राइट, ठीक है लिख दीजिए इसको, डी टू वाई बाई डी थीटा टू डिवाइडेड बाई डी टू एक्स बाई डी थीटा टू, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस सी साइन थीटा अपॉन माइनस सी कॉस थीटा, समझ पा रहे हैं, हाँ अच्छे समझदार बच्चे हैं। साइन बटे कॉस की वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा आ गई है ना, खाली लापरवाही करते हैं, बाकी समझदारी में आपकी कमी नहीं है। हाँ तो टेन थीटा की वैल्यू, हाँ देखो कॉट थीटा की वैल्यू इतनी आई है तो टेन थीटा इसका उल्टा आ जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू अगर एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस बी आई है तो टेन थीटा कितना आएगा, इसका उल्टा, यानी वाई माइनस बी अपॉन कितने के एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा, आएगा ना। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, नोट कर लिए हैं, बिठा दे रहे हैं, कौन कौन वैल्यू रखेंगे, ये वाली रखेंगे और ये वाली रखेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। इसलिए इतने बराबर, इतने को लिखने के बाद आप बराबर लगाएंगे, अब वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस एक्स बाई ए अपॉन वाई माइनस बी, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी पूरे की पावर कितना किया है, थ्री बाई टू, और अपॉन कितना किया है, इसकी जो वैल्यू आई है क्या आई है, वाई माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, ये आई है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिला बताइए, क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर कर लिया जाता है, वन प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर थ्री बाई टू अपॉन कितने के, क्या इसका होल स्क्वायर भी दिया था, देख लेते हैं, नहीं होल स्क्वायर नहीं दिया है, चलिए इतना भी करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, वाई माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, इसका बटे करके तिरछा गुणा कर दें तब कितना आए बताइए, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और बटे कितना आपका, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे कितना कर देंगे आप, इतना जिसको नोट कर लेंगे,
इसकी वैल्यू आप प्रश्न से निकाल लेंगे, तो प्रश्न में आपको दिया था कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे सी स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ सी स्क्वायर लिख देंगे और इसकी पावर जब 3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आएगा, 3 आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे और सब मिला करके इसका सहारा लेकर के और इसका सहारा लेकर के आपको ए बी को गायब करना है और किसको बचाना है, सी को लाना है। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है और एक मेथड आप पहले से जान रहे हैं क्या करने वाला, सीधे सीधे हम अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद इन तीनों दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें हम रख देंगे, तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप खुद करिएगा कैलकुलेशन, है वीडियो लेंथी हो जाएगा, अभी 15 के बाद 17 आप लोगों ने पूछा है, 17 बता देते हैं, करिएगा, नहीं आएगा इस पर कमेंट जरूर करिएगा, ये मेथड जानिए आप, इसको सीखिए, कहीं गलती हो उसको सुधार लीजिएगा, माइनस प्लस में गलतियां हो जाने के बाद क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। हाँ, 17 देखते हैं, 15 के बाद 17 क्या दिया है, x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी और y इक्वल टू दिया है आपको ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, ये दिया गया और आपसे पूछा डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है। इसको भी दो तरीका आपको बता सकते हैं, कैसे कैसे आप बताइए, दो तरीका कौन कौन सा आपका है, कोई है तरीका आपके पास क्या, इसे आप, ये प्राचलिक समीकरण है क्या, इसे आप मानक समीकरण बदल सकते हैं, ये प्राचलिक समीकरण जो दिया है इसे आप मानक समीकरण मतलब कार्तीय समीकरण बदल सकते हैं, अगर बदल पाइए, बदल पाइए का मतलब ये है, हाँ बदल ले जाएंगे, कैसे बदल ले जाएंगे, आप वर्ग करके जोड़ दीजिए, दोनों जगह ए है ना, हाँ आसान है, वर्ग करके दोनों को जोड़ देते हैं हम, क्या करके वर्ग करके जोड़ दें अगर हम, एक मिनट, ठीक, अगर वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बताइए, इसमें हमको निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। हमने आपको बताया है कभी कभी क्या होता है, प्राचलिक को हल करना जटिल होता है तब हम कार्तीय बदलते हैं, और कभी कभी कार्तीय को बदलना जटिल होता है तब हम प्राचलिक में बदल लेते हैं, आसान हो जाए, जिसमें बदलने पर आसान हो जाए वैसे ही करते हैं। इसको किसमें बदलना आसान है, आप देख सकते हैं इसको बदलना आसान है प्राचलिक में, वर्ग करके अगर हम जोड़ते हैं, देखिए वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसका वर्ग जब आएगा तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर टी प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ध्यान दीजिएगा, और प्लस 2t cos t इंटू साइन टी, इतना मिलेगा ना इसका वर्ग, इसका वर्ग देखते हैं, इसका वर्ग क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कितने के मिलेगा आपको, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और माइनस 2t साइन टी इंटू कॉस टी। समस्या क्या, समस्या बता सकते हैं आप, समस्या ये होगी इसमें कि इसमें टी स्क्वायर बचा रह जाएगा और इधर जब आपका ये पूरा टी गायब होता है तब इस रूप में बन जाता, आसान हो जाता, लेकिन यहाँ इस परिस्थिति ऐसी है कि टी गायब हो ही नहीं रहा है, है ना, तो पहले वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं, क्या और किसी तरह टी गायब हो सकता है, ये मान लो इसको इसको जोड़ेंगे तो आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो गायब, लेकिन ये टी स्क्वायर कहां से गायब होगा, क्या हम टी की वैल्यू कहीं से निकाल सकते हैं, अगर टी की वैल्यू निकालेंगे तो वो टी के ही रूप में आएगी, कोई तरीका है नहीं टी को गायब करने का, ये मेथड नहीं लग पाया और बच सकता है इसमें, है ना, देखिएगा अगर ये टी गायब कर पाइए आप तो लगा लीजिएगा किसी तरह, और नहीं हो पाता है तो ये ना करके आप डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट क्या मेथड है आपका, इसका टी के सापेक्ष दोबारा अवकलन करिए, डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा आपका ए कॉस टी का अवकलन आपका वही माइनस साइन टी प्लस टी साइन टी का अवकलन क्या हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय हम लगा देंगे इसमें, पहला फलन दूसरे का अवकलन, साइन टी का होता है आपका कॉस टी प्लस दूसरा फलन यानी साइन टी
और पहले का आकलन यानी इसका आकलन कर देंगे कितना आ जाएगा बताइए जरा। टी का आकलन होता है एक, ठीक। ये हो गया क्या डी एक्स बाई डी टी, साइन टी कैंसिल हो गया, आपका आ गया ए टी और कॉस टी, ए टी कॉस टी, ये आपका आ गया डी एक्स बाई डी टी। दूसरा आप निकालिए डी वाई बाई डी टी, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए साइन टी का आकलन क्या होता है आपका कॉस टी माइनस टी कॉस टी का आकलन क्या हो जाएगा फिर वही प्रथम फलन टी दूसरे का आकलन, कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस दूसरा फलन यानी कॉस टी और पहले का आकलन क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका ए इंटू कॉस टी माइनस 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 प्लस टी साइन टी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस टी, ठीक है। तो ये मिल गया आपका कास कास खत्म, इसमें आपका आ गया ए टी उसके बाद साइन टी, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई। तो डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स क्यों निकालेंगे इसका एक बार और आकलन करिए, है ना, सीधे आप डायरेक्ट डी टू वाई बाई डी एक्स निकालिएगा और कुछ है नहीं ना इसमें, कर लेंगे कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन जो हम छोड़ देते हैं बीच में उसका कारण ये है कि आप करें, गणित एक ऐसी चीज जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे खुद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। हम सारा क्वेश्चन अभी आपको नोट करवा दें, लगवा दें और आप पूरा नोट कर लीजिए, तब समस्या हो जाएगी ना, आपको कुछ नहीं आएगा। तो जब आप खुद प्रक्रियाएं करके उस रास्ते से गुजरेंगे तो वो चीजें स्टेबल होंगी। चलिए 17 के बाद 19 देखते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक के n के लिए d by dx x पावर n बराबर कितना होता है, गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके। अब बताइए गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है बता सकते हैं आप, ज्यादा है? पढ़े अभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े होंगे ना, ग्यारह शायद पढ़े हैं आप, गणितीय आगमन पता नहीं मुझे याद नहीं रहा, अगर चलिए पढ़े हैं तब भी जान लीजिए, नहीं पढ़े तब भी जान लीजिए। गणितीय आगमन क्या कहता है कि गणितीय आगमन सबसे ज्यादा यूज जान लीजिए कोरोना वायरस में होता है। जैसे बच्चे जब पहले क्या करते थे, ईंट ऊट जब ढेर सारी रखी रहती थी कहीं वहाँ खेलते क्या थे, ऐसे सारी ईंट खड़ी कर देते थे और वो एक ईंट गिराते थे, ठीक है, तो लगभग क्या होती थी सारी ईंट गिर जाती थी, सारी ईंट क्या करती थी गिर जाती थी। लेकिन अगर अगर उसमें एक कोई बच्चा बहुत शरारती है, उसने सोचा कि हम इनका गिरने नहीं देंगे, उसने क्या किया इस ईंट को मजबूती से खड़ा कर दिया, इस ईंट को अगर मजबूती से थोड़ा सा खड़ा कर दें जमीन वमीन में लगा करके, तो अगर ये ईंट नहीं गिरी तो क्या सारी ईंट गिरेगी, नहीं गिरेगी। यानी सारी ईंटों का गिरना किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, सारी ईंटों का गिरना किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, पहली बात कि पहला पहली ईंट गिरी कि नहीं इस पर डिपेंड कर रहा, और कोई ईंट गिर रही है तो उसके बाद वाली गिर रही है कि नहीं गिर रही, जैसे ये ईंट गिर रही है इसके बाद वाली ये गिर ही नहीं रही है तो कैसे प्रूफ होगा। ऐसे ही आपका जो वायरस चल रहा है ये भी एक प्रक्रिया है, क्या है कि जैसे अगर आप एक व्यक्ति को पहले व्यक्ति को वायरस इंडिया में किसी को हुआ है ना, अगर किसी को नहीं हुआ होता तो बाकी सब सेफ थे, लेकिन अगर मान लो यहाँ तक हो ही गया सबको हो गया सबको हो गया, लेकिन यहीं पर पहुंचने के बाद अगर इसकी लिंक क्या हो जाए टूट जाए तो ये हो सकता है कि इसके आगे वाले संक्रमित नहीं होंगे, यही गणितीय आगमन का सिद्धांत है। तो इस पे ज्यादा डिटेल ना करते हुए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है कि पहली ईंट गिरी कि नहीं, यानी n बराबर एक के लिए बात सत्य है कि नहीं है, n बराबर एक के लिए बात सत्य है कि नहीं है। अगर n बराबर एक के लिए सत्य है तो हम मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए बात सत्य है, माना जाता है कि ये n बराबर k के लिए वो बात क्या है सत्य है। तो इसके बाद वाले के लिए हम सिद्ध करते हैं n बराबर k प्लस 1 के लिए उस बात को हम सत्य सिद्ध कर ले जाएं, तो कहा जाएगा कि ये चीज n के किसी भी वैल्यू के लिए लागू होगी अर्थात सारी चीजें सत्य होंगी, यही गणितीय आगमन का सिद्धांत। समझ में आ गया सबको, क्या करते हैं n बराबर एक के लिए सत्य सिद्ध करते हैं, n बराबर के लिए सत्य मानते हैं और n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो चलिए
इसमें जो क्वेश्चन दिया है फार्मूले को ही प्रूव करना, वो भी गलती आगमन से, क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एन बराबर एक रखने पर, एन बराबर एक रखने पर बताइए आप क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक बराबर एक गुड़े एक्स की घाते एक ऋण एक, एक्स की घाते एन का अवकलन, मतलब एक्स का अवकलन कितना होता है एक होता है, तो एक बराबर एक गुड़े एक्स की पावर जीरो, और किसी की पावर अगर कोई है ही नहीं है ना, कहते हैं मेरी कोई पावर नहीं यानी व्यक्ति शून्य है, तो मतलब उसकी वैल्यू अगर किसी की पावर शून्य हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है एक होती है, अकेला व्यक्ति है वो, यानी एक गुड़े एक कितना आ गया एक बराबर एक, अर्थात एक्स बराबर एक रखने पर ये क्या चीज है सत्य है। मान लेते हैं, माना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर के बराबर है के एक्स की पावर के माइनस वन, क्यों हमने माना, क्योंकि हमने बताया है कि गणितीय आगमन जब सिद्ध करना होता है तो एक्स बराबर एन बराबर के रख करके उस चीज को हम सत्य मानते हैं खुद से। अब इसी के आधार पे हम सत्य सिद्ध करेंगे कि के प्लस वन के रूप के लिए ये के प्लस वन के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो चलो, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के प्लस वन, अब हम के प्लस वन के लिए सत्य सिद्ध करना चाह रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर के इंटू एक्स, दो भाग में इसको हम तोड़ रहे हैं, मतलब एक साइड ले रहे हैं दूसरी साइड हमको आनी चाहिए। अब देखिए इसमें एक प्रथम फलन और यह आपका द्वितीय फलन, तो पहला फलन नोट हो गया यानी एक्स पावर के नोट हो गया, दूसरे का अवकलन एक्स का अवकलन कितना होता है एक डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस दूसरा फलन यानी एक्स नोट हो गया, पहले का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के, यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ इसकी जो वैल्यू हमने मानी है उसी को हम रख देंगे, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर के को कितना माना है ये एक्स की पावर के माइनस वन माना है, तो एक्स पावर के प्लस ये एक्स इंटू क्या रख रहे हैं आप बताइए, इसकी जगह पे एक्स की पावर कितना आपका के एक्स की पावर के माइनस वन, अब गुणा में घाते जुड़ती ये घात ये इसकी एक्स के एक्स, ध्यान दीजिए तो इसकी इसकी घात जोड़ दें तो हो गया एक्स पावर के प्लस के इंटू एक्स पावर के, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोनों में x पावर k कॉमन है, बस क्या गया आपका k प्लस वन इंटू एक्स की पावर k, जो कि इस रूप में आया है कि नहीं आया है, आ गया ना। तो इस प्रकार गणितीय आगमन सिद्ध होता है कि x पावर n बराबर dx ऑफ x पावर n बराबर एन एक्स की पावर n माइनस वन होता है, ये गणितीय आगमन से आपका प्रूफ हो जाता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद 22वां सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी वीडियो आज का होगा लेकिन फिलहाल आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए, नोट करिए इसको। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रश्न में आपका केवल आव्यूह का ज्ञान चेक करना चाह रहा है ये, है ना, थोड़ा सा आव्यूह अभी आप लोग पढ़े नहीं है लेकिन जान लीजिए बहुत खास नहीं आव्यूह। आव्यूह का ये प्रसार किया जाता है, आव्यूह जैसे कोई दे दे आपको उसका प्रसार जो होता है वैसे ही कर दीजिए। प्रसार कैसे होता है कि इसमें y इक्वल टू हम क्या करते हैं ये चीज नोट करते हैं, ये आपका किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष प्रसार किया जाता है। थोड़ा सा बता देते हैं पंक्ति क्या होती है, ये आपकी पंक्ति होती है, इसमें तीन पंक्तियां और ये स्तंभ होते हैं, चाहे एक पंक्ति चाहे एक स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार कर सकते हैं किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष। और उसके बाद आप क्या करते हैं चलिए बताते हैं, पहले एक मान लो हम इसके सापेक्ष प्रसार करना चाह रहे हैं आर वन के सापेक्ष, इसे आर वन मतलब फर्स्ट रो, रो आर मतलब रो, फर्स्ट रो के सापेक्ष प्रसार कर दे तो क्या मिलेगा, सापेक्ष प्रसार करने पर आर वन के सापेक्ष प्रसार कर दें तो आपको एफ एक्स मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि इस चीज़ को और इस चीज़ को छोड़ दिया जाता है, ये इतना छोड़ दिया जाता है, जो ये बचता है इतना इसमें हम तिरछा गुणा करके लिखते हैं जैसे बच गुणनखंड में करते हैं, इसका इसका गुणा एम सी माइनस इसका इसका गुणा बी एन, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और अगला क्या होता है आपका, अगला भी ऐसे ही होता है, जी एक्स यहाँ लिखते हैं, दूसरा माइनस भी लिखा जाता है माइनस जी एक्स, फिर अब इसको और इसको ढक लेंगे, ये आपका इससे गुणा होगा एल सी माइनस ए एन, ये हो जाएगा। और ऐसे ही अगला आपका क्या होगा, एच का आपका प्रसार एच डैश एक्स, सॉरी प्रसार कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं, ये आपका ये और ये छूट जाएगा, इसका बचा इसका गुणा करेंगे
एल बी माइनस ए एम। समझ आया आप सबको? फिर से देखिए, शायद देख नहीं रहा हूँ प्रसार कर रहे, जो जिसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो एक प्लस दूसरा माइनस अगला प्लस इस तरह होता है, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो गया। दूसरी बात क्या करते हैं, जब इसको लिखते हैं तो इसके नीचे का स्तंभ और इसके सामने की रो छोड़ देते हैं। अब क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है इतना। तो इन चारों अव्यय में इसका इधर से गुणा और इसका इधर से गुणा करके बीच में क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। समझ में आई बात ना? तो ये आपका हो गया। तो अगर इसमें देखें आप, अब इसका आकलन कर दें सीधे सीधे, डी वाई बाई डी एक्स कर दें, डी वाई बाई डी एक्स कर दें, ये क्या आएगा, एफ एक्स का आकलन एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये सब क्या अचर है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, एम सी माइनस बी एन ये हो गया माइनस जी, जी एक्स का आकलन क्या होता है, जी डैश एक्स होता है। फिर ये चीज एल सी माइनस ए एन हो जाएगा, ऐसे एच एक्स का आकलन क्या होता है, एच डैश एक्स होता है, ये हो जाएगा एल बी माइनस ए एम। समझ पा रहे हैं? तो ये आपका हो जाता है, ये डी वाई बाई डी एक्स आया। अब इसमें क्या करिए आप, इसका प्रसार करिए, जैसे हमने बताया था प्रसार, इसका जैसे प्रसार किए हैं वैसे इसका प्रसार कर लीजिए, आप देखेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है कि इतने की वैल्यू और इतने की जो वैल्यू है वो दोनों क्या सेम। ठीक है, तो इस तरह आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है। अब आगे अगले दिन करवाया जाएगा अगला चैप्टर आपका, इसको नोट करके कंप्लीट करके आप और से भेज दें।